और असम में एनआरसी की अंतिम सूची आने के बाद विपक्ष के नेता खुश नहीं हैं। कांग्रेस के बाद ममता बनर्जी ने भी एनआरसी की लिस्ट का विरोध किया है। विपक्ष ने असम में एनआरसी की फाइल लिस्ट पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने आवास पर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की और इस बैठक में सरकार से वास्तविक नागरिकों को नहीं निकालने और उनकी सुरक्षा की मांग की गई। हमारे देश की कोई जेन्युइन सिटीजन को किसी हालत में ना निकाला जाए और जो जेन्युइन सिटीजन है हमारे देश की, ये सबको सुरक्षा दिया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एनआरसी लिस्ट का विरोध किया। ममता बनर्जी ने कहा कि एनआरसी ने उन सभी को बेनकाब कर दिया जिन्होंने राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। उनके पास राष्ट्र को जवाब देने के लिए बहुत कुछ है। ऐसा तब होता है जब समाज की भलाई और राष्ट्र के बड़े हित के बजाय किसी काम को एक उल्टे मकसद के लिए किया जाता है। मेरा दिल उन सभी, विशेषकर बड़ी संख्या में बंगाली भाषी भाइयों और बहनों पर जाता है जो इस प्रक्रिया के कारण पीड़ित है। ममता के बयान पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने उन पर निशाना साधा। 100% सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, सारे देश में एनआरसी के बारे में विचार किया जाएगा, क्योंकि घुसपैठिए सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिम बंगाल के माध्यम से देश के अलग अलग क्षेत्रों में भी पहुंच चुके हैं। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर एनआरसी पर सरकार पर हमला बोला। हम वजीर दाखला जनाब अमित शाह साहब से पूछना चाहते हैं कि आपने एक बात कही थी कि 50 लाख घुसपैठी आसाम में है, अब वो झूठ बोल रहे थे या एनआरसी सच कह रही है? असम में एनआरसी की फाइनल लिस्ट में 3.11 करोड़ लोगों के नाम शामिल है, जबकि 19,06,657 लोगों को लिस्ट से बाहर किया गया है।